अच्छा होता अगर मैं तुम्हें पहले मिल पाता। डाल्बो मेरे साथ आओ। क्यों? आओ ना, पढ़ो इसे। ये क्या है? YNG कंपनी से एप्लीकेशन आया है। ये साल का लास्ट ब्रॉडकास्टिंग है। ये एजुकेशन नहीं देखते, ये राइटिंग, रीडिंग, इंटरव्यू, कैमरा टेस्ट, ये सभी देखते हैं बस। तुम जैसे टैक्सी ड्राइवर और मुझ जैसे पिनोक्यो के लिए बेस्ट है। बिना देखे परीक्षा ऐसे भी एक जगह थी। तुम क्या अपनी बीमारी छुपाने वाली हो? तो क्या उन्हें पता नहीं चलेगा? अगर वो नहीं पूछेंगे तो मैं भी उन्हें नहीं बताऊंगी। तुम इन किताबों से राइटिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। क्या एक महीने में तुम सब पढ़ पाओगे? मुझे लगता है एक हफ्ता काफी होगा। हाँ, कुछ ढंग की बातें करो। तुम ये एक हफ्ते में कैसे पढ़ सकते हो? प्यूरिफाइड वाटर, रिसाइकल ग्लाइकोसाइड, ग्लिसरीन, बिटाइन, सोडियम क्लोराइड, सिट्रिक एसिड, लैक्टोपेरोक्साइड, लिमोने और ये क्या बोल रहे हो? मैं दांत साफ करते करते उब गया था तो ये सब चीजें याद आ गईं। मेरे इस दिमाग को सारी चीजें याद आ जाती हैं। चिंता मत करो, मेरे लिए एक हफ्ता काफी है। ठीक है, तुमने पूरी लाइब्रेरी को याद किया हुआ है 8 साल पहले, तो ये हो सकता है। ये है मेरे सारे नोट्स, ये है सैंपल क्वेश्चंस, ये कॉलम्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हारे अंदर सॉफ्ट फीलिंग्स हैं इन्हा के लिए। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे लिए उसके अंदर फीलिंग्स हैं। पर मैं कभी लालची नहीं बना और ना कभी होऊंगा। फॉरेन मिनिस्टर लॉरेन फेबियस। लॉरेन फेबियस जो है फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर। जो फॉरेन मिनिस्टर है फ्रांस का, लॉरेन फेबियस। फ्रांस एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रांस एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मुस्कुराओ, मुस्कुरा कर बोलो, हम एक रेजोल्यूशन लाने वाले हैं। यहाँ पर एक रेजोल्यूशन लाने वाले हैं। सुनो, मुझे वाली बुक चाहिए। अंकल जी, ये जवान बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं। पता है। दालपो, तुम्हारे पास अभी कुछ समय है मेरे लिए? जरा रुको, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? आप मुझे पुरानी दुकान के बदले यहाँ पर क्यों लाए? यहाँ आओ चुपचाप से और यहाँ आके बैठो। चलो जल्दी आके बैठो तुम यहाँ पे। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। कैसी स्टाइलिंग करवानी है?